और भाई तेरी मम्मी को लबीबा कैसी लगी? क्या मतलब कैसी लगी? दोस्त से अच्छी लगती होगी और क्या? अच्छी लगी, मुझे तो लगा बहुत अच्छी लगी आंटी को। मम्मी को काबिल लड़कियां बहुत पसंद है। अच्छा, तो इसका मतलब बात पक्की, लबीबा ही तेरे घर की बहू बनेगी। आखिर गोल्ड मेडल ही तो ठहरी। शट अप, अभी बहुत टाइम है इस चीज में। वैसे कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है? इस तरह की लड़कियां बहुत है यूनिवर्सिटी में। कभी कभी तू मुझे फ्यूडल लगता है। फ्यूडल नहीं, देसी। इंजॉय तो बड़ा कर रहा है मेरी गपशप को और उसकी कंपनी को। वो तो एक टिपिकल मर्द ही ना। आप लोग ऑडिटोरियम जा रहे हैं? हाँ। लिफ्ट मिल सकती है? एक्चुअली मैं भी लेट हो रही हूँ। श्योर। थैंक यू। इसके क्या बाप की गाड़ी कहाँ है? पूछ लो उसे। क्या हो रहा है? दवाई खाई थी आपने? हाँ, पर मेरे पैर आग लगी। अम्मी ठंडा ठंडा दूध दे दूँ आपको मैं? हाँ, जान निकल रही है, पर मेरे अंदर आग लगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बैठी साबुन ठंडा पानी लेकर आती हूँ। नहीं अलिया, क्या हो रहा है? अम्मी जी क्या हो गया? मेरी जान निकल रही है। अम्मी अम्मी पी पी पानी पी पानी पी पानी। सुकून मिला कुछ? भाई दरवाजा। मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो इतनी परेशान हो रही है, अंदर है। जाओ बोलो, डॉक्टर आए देखने के लिए। हाँ, अंदर चली जाए। चले आज आज बुखार नहीं उतर रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रही है।
मुझे पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब, मेरे बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कोई सुकून की दवा दे दे, कोई सुकून की दवा दे दे, मेरी जान निकल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे आग लग गई है मेरे पूरे जिस्म में। जी जी, ऐसा होता है इस बीमारी में, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर साहब कमजोर बहुत हो गई है, इसके लिए कोई दवाई वगैरह ले लीजिएगा। ताकत के लिए इन्हें रोजाना एक ड्रिप लगेगी, मिल देता हूँ आपको। अबू डॉक्टर साहब, मेरा जिस्म जल रहा है। क्या है अबू? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उनको कैंसर के अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। आपको अंदाजा है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने अरे बड़े डॉक्टर के पास गया था कैंसर के, उसी ने भेजा इस डॉक्टर को। अरे अबू मैं ये कह रही हूँ कि अरे वो ये इंजेक्शन लगा रहा है ना, उसी डॉक्टर ने कहा है कि इंजेक्शन लगाओ तभी ठीक हो जाएगी, तो कैंसर के अस्पताल ले जाना। अबू आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें, अम्मी ने थोड़ी देर पहले ही सारा का सारा। अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, चुप रहो बस। इंजेक्शन अभी लगना? जी आप ले आइए, मैं लगा देता हूं। आप परेशान ना हो, इस बीमारी में ऐसा होता है, इनको रोजाना इंजेक्शन लगेंगे, उससे इनका बुखार भी उतर जाएगा और दर्द में भी कमी होगी इंशाल्लाह। ये लीजिए आपकी इमानत। भाभी SMS तो सिर्फ 15,000 का आया है। जी आपको बुरा ना लगे इसलिए दो सूट ले लिए, एक अपने लिए और एक आतिका आप ही के लिए, वरना मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था जाने का। इसका मतलब बात आपके दिल से अब तक गई नहीं? दिल से ना गई होती तो कभी भी शॉपिंग पे ना जाती, ना अपने लिए ना आतिका आप ही के लिए। रईस भाई आप तो जानते हैं मुझे बदमजगी की आदत नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ घर में सुकून और सलामती रहे। वो तो मैं मानता हूँ। अच्छा अब आप ना मेरे साथ चलें उनके पास, अकेले जाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आप साथ चलेंगे ना तो वो मुझसे मान भी जाएंगी और डांटेंगी भी नहीं। अभी सच में आप हीरा हैं, इन्हीं बातों की वजह से पूरा खानदान आपकी इज्जत करता है। चलें। आतिका, भाभी तुम्हें मनाने आई हैं। लेकिन मैं तो नाराज ही नहीं हूँ, दिल में एक छोटी सी बात आई थी, सो मैंने कह दी। दिल से निकाल दो सारी बातें। तुम्हें पता मैंने भाभी को क्रेडिट कार्ड दिया था, फकत दो जोड़े लिए, एक खुद के लिए और एक तुम्हारे लिए। अगर ये लालची होती ना तो कार्ड की लिमिट खत्म कर सकती थी, लेकिन नहीं की उन्होंने। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इसे कबूल कर लें और मुझे दिल से माफ कर दें, आपकी छोटी बहनों की तरह हूँ। अरे तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है, इसका बिगाड़ रही हो, जब उसे को एतराज नहीं है तो मुझे क्यों एतराज होगा। शुक्रिया। अरे देख तो लो। देख तो ले। अरे इतना शोख रंग, मैं तो ऐसे रंग पहनती नहीं हूँ। तो पहना करे ना, अच्छे लगते हैं खिलते हुए रंग। अरे नहीं मुझे नहीं पसंद। जैसे आपकी मर्जी, मैं
चाय का कहकर आती हूँ। कितनी अच्छी नेचर है ना, पता तुमसे मिलने के लिए डर रही थी, मुझे लेकर आई है, कहती है कि आपकी को मनाने के लिए आप मेरी मदद करें। हाँ बहुत ही अच्छी है तुम्हारी भाभी, मेरे ही भाई के पैसों से मुझे विलन साबित कर रही है, बहुत अच्छी। क्यों घर के सुकून की दुश्मन हो गई हो तुम? अच्छा भाई कुछ नहीं कहती तुम्हारी प्यारी भाभी को, तौबा मेरी, अल्लाह करे सारे अंदेशे मेरे गलत हो, झूठ हो। झूठे हैं, प्लीज घर में वैसे ही रहो जैसे पहले रहती थी, कल को मेरी भी शादी होनी है। सारे लेक्चर मेरे लिए भाई, ठीक है ठीक है। कोई मुझे यहाँ से निकाले, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, नहीं अबा, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो निकालो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। अरे किससे डर लग रहा है भाई? मुझे लग रहा है जैसे कब्र से कबर का हाल तो अल्लाह ही जानता है, या वो मुर्दा जानता है जब मर गया होता, और तुम तो जिंदा हो भी। अरे भाई ऐसे वक्त में ये बातें ना करो, अल्लाह को याद करो, इतनी जल्दी कुछ होता नहीं, समझी? अब मुझे परेशान मत करो, सोने दो, मेरी बात सुने ना इस्माइल। तैयबा मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, कब से मैसेजेस कर रहा हूँ, ना तो मेरा फोन उठा रही हो ना मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। यार मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम मिजरेबल विदाउट यू, मुझे प्लीज कॉल करो या मुझे मैसेजेस पे ही बात कर लो यार, कम से कम तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूँ यार। जी अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी बैठे बैठे, क्या हुआ? क्या हो गया अम्मी? बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। अल्लाह ना करे अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, मैं इधर सो जाती हूँ। पानी दूँ आपको? पानी पिएंगी?
होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नया पाकिस्तान बना रही हो क्या? क्या बात है ये बात? इसे रो क्यों रही हो? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और अब पता नहीं क्या होगा। तुम परेशान ना हो, चची ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं अभी जुमा पढ़ने जा रहा हूँ ना, मैं खुद दुआ करूंगा, बल्कि वो मौलवी साहब से कहूंगा इज्तिमाई दुआ कराएं। तुम परेशान हो, चिट्ठी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैंने जुम्मे की खास तैयारी भी की है, ये टोपी भी खरीदी यार। प्लीज रो मत तैयबा, तुम ऐसा करो नमाज पढ़ के दुआ करो अल्लाह से। तुम्हारी दादी माँ कहती है कि नमाज में अल्लाह से जो मांगो मिल जाता है। मैं तो सब कुछ नमाज में मांग लेता हूँ, रो मत। कुछ ही दिनों में कितनी कमजोर हो गई है, आंखें बिल्कुल अंदर ढस गई हैं। कुछ खाएंगी नहीं तो जान कैसे बनेगी? ये खाए। जो चीज बची नहीं बनेगी कैसे? अम्मी आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। छोटी तसल्लियां बंद दो बेटा, पता है मुझे आपके बीमारी नहीं, मैं ही जाऊंगी। अम्मी आपकी जब भी तबीयत खराब होती है आप ऐसी हार मान लेती हैं। आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि एक दफा आपका जब बुखार उतर जाएगा, कमजोरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद इलाज शुरू हो जाएगा। कमजोरी में इलाज तो नहीं हो सकता ना।
अरमान था मुझे कि मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए देख पाती, अगर जिंदगी ने इजाजत नहीं दी। जिंदगी क्यों इजाजत नहीं देगी? और आपको तो अभी मेरे साथ बहुत साल रहने हैं, आपको तर्स नहीं आता मुझसे ऐसी बातें करते हुए? मेरे बाद कितनी अकेली रह जाओगी ना, तो तुम्हारी तो कोई बहन भी नहीं है बेटा, हाँ, जो तुम्हारा सहारा बन जाए। मैंने तो एक दूसरे में अपनी माँ को तलाश कर लेती है, तुमने तो घर से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। ये दुनिया बड़ी जालिम है, मैं डरती हूँ खुद को कैसे संभाल पाओगी अकेले, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। आपके होते हुए मुझे किसी का डर नहीं है, आप है ना मेरे साथ, हमेशा तो साथ नहीं रह पाओगी ना? नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं जा रही हैं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप हमेशा रहेंगी मेरे साथ। जाना तो पड़ेगा, उसका बुलावा आ गया, जाना पड़ेगा। सुनो मेरा बच्चा, तुमने ना मेरे बाद घबराना नहीं, अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर लेना, इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मुझे आपके बगैर कुछ नहीं करना अम्मी। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा मेरी बच्ची, डटकर मुकाबला करना है तुमने। लोग तुम्हें बहुत सताएंगे, पर तुमने हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, हिम्मत नहीं हारनी मेरी बच्ची, जब मेरी याद आए मुसल्ला बिछा के बैठ जाना, अल्लाह के आके जब सजदा करोगी तो अपने आप को अल्लाह की पनाह के साए में पाओगी। अल्लाह की पनाह मिल जाए उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सुनो मेरा बच्चा, किसी से गिला हो ना तो बस अल्लाह से शिकायत करनी है, किसी के सामने नहीं रोना, सिर्फ अपने रब के आगे रोना, समझी ना मेरी बच्ची, बस अल्लाह से बेहतर कोई सहारा नहीं है।
अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और अब पता नहीं क्या होगा। शोभी क्या बात है, क्यों रो रही? वो रो रही थी ना, उसका रोना सोच के दिल भर गया मेरा। कौन? मेरे चाचू की लड़की। चाची को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हौसला करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तो हौसला कर लूंगा, वो कैसे करेगी, कैसे जिएगी बाके बगैर? ये सब अल्लाह के काम है, हम सब का वक्त मुकर्रर है, वो मालिक है, कर्म करेगा। ये पानी की बोतल है, दम की हुई ले जाए। शुक्रिया। आप जमात के बाद मेरी चच्चे के लिए दुआ कर दें, मैं ये दम वाला पानी रोज ले जाऊंगा। अल्लाह शिफा दे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह का सहारा है बस। अल्लाह के हवाले किया तुम्हें, अपने अल्लाह के हवाले किया बस। अब कोई नहीं रोएगा। अम्मी अगर अब आपने ऐसी बात की ना, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अल्लाह तो मेहरबान है ना, तो बख्श देना मुझे आपकी जिंदगी। ना बेटा ना, ना। अल्लाह पाक से शर्तें नहीं लगाते, बस हथियार फेंक कर नहाते होकर उसके सामने खड़े होकर सर झुका देते हैं। पहले इंसान को उसकी रजा में राजी होना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसकी रहमत को जोश आता है। कोई गिला कोई शिकवा नहीं करते उससे, बस उससे कहते कि तू ही मेरा फैसला कर, तू ही मेरा फैसला कर। समझी मेरी बात को? मैं जो कह रही हूं समझ रही है ना? वही सबसे बेहतर सहारा है, सबसे बेहतर सवाल, बेहतर सवाल। मौला 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 क्या बात है, लबीबा की कॉल का वेट करा? उसकी कॉल का क्यों वेट करूंगा, रोज तो मिलती है वो। तो फिर किसकी कॉल का वेट कर रहा? होते हैं कुछ खास लोग, लेकिन उनका जिक्र घर से बाहर करना मुनासिब नहीं होता। तो इसका मतलब मामला काफी सीरियस है। बहुत।
लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी खामोशी। कहाँ जा रहे हो? चेंज कर रहे हैं। तुम्हें प्रोफेसर तारिक ढूंढ रहे थे। प्रोफेसर तारिक मुझे कि... हाँ पता नहीं तुम्हारी कोई अटेंडेंस का शायद प्रॉब्लम है। मेरी अटेंडेंस? देख ले एग्जाम्स होने वाले। मैं चेक करता हूँ। चाबी तो दे दो। वहाँ सब लोग थे, मैं बात नहीं कर पा रहा था। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, I'm sorry। अच्छा ये बताओ क्या ऐसा करूँ कि तुम मान जाओ? जो बोलोगे ही करूँगा, प्रॉमिस। दिल तो तुमने मेरा दुखाया ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि मोहल्लेदार होने के नाते तुम मम्मी से मिलने के लिए नहीं आए। तुम्हारे कहने पर मैं मिस से मिलने के लिए चली गई, जिनके अल्फाज मेरा दिल छलनी कर देते हैं, और तुम मम्मी से मिलने के लिए नहीं आ सकते थे। और मिस को तो अब लबीबा बहुत अच्छी लग रही है, उसको तो नाइट स्टे का भी कह दिया, बुरी लगती हूँ सिर्फ मैं। जो बोलना है बोल, सारा गुस्सा निकाल दो अपना। मैं मान रहा हूँ मेरी गलती थी, और तुम्हें मम्मी के पास नहीं जाना, मत जाओ जब तक तुम्हारा दिल ना चाहे। मम्मी को यकीन था कि तुम उनको देखने के लिए आओगे। इस हफ्ते खास उनसे ही मिलने के लिए आ रहा हूँ। कैसी हो? घर पे ट्रीटमेंट शुरू करवाया है, डॉक्टर ने कहा है कि जैसी तबीयत ठीक हो जाएगी दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करवा देंगे। तुम स्माइल अंकल से कहो ना आंटी को यहाँ कराची ले, यहाँ पे उनकी कीमोथेरेपी कराएं। यहाँ बहुत हॉस्पिटल है, कैंसर का बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे अब्बू से बात करना नामुमकिन है। तो सुनो मैं बाबा से कहूँ कि अंकल से बात करें? नहीं नहीं नहीं, वो ये कहेंगे कि उन्हें कैसे पता चला। तो तुम लोगों के मसले भी ना यार। अच्छा छोड़ो ये बताओ, तुम्हारे लिए कुछ बुक्स भेजी थी पढ़ी? इस वक्त तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, पता है अम्मी बहुत खौफज़दा है, हर वक्त इतनी डरी डरी रहती है। रियान, अम्मी चली तो नहीं जाएंगी ना? वो कहीं नहीं जाएंगी, ख्याल रखो ना। अब मजबूत रहो, बी स्ट्रॉन्ग, तुम स्ट्रॉन्ग रहोगी तो ही उनका ख्याल रख पाओगी ना। मुझे तो खुद कभी कभार इतना डर लगने लग जाता है। मत डर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। स्माइल। अच्छा चलो कोई और बात करते हैं। ये बताओ जोकर ने तुम्हें दोबारा तंग तो नहीं किया? नहीं, वो तो अम्मी का बहुत ख्याल रख रहा है। क्या बात है, आज बड़ी तारीफ कर रही हो उसकी। तारीफ? मैं तो इसे सच कह रही हूँ। मुझसे बेहतर लगने लगा है तुम्हें। तो अब सीधे सीधे ये कहो ना कि तारीफ सुनना चाहते हो। हाँ तैयबा, तुम्हारे मुंह से मैं सिर्फ अपना नाम और अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा और शोभी का क्या मुकाबला? जमीन और आसमान का कोई मुकाबला होता है? जमीन? मेरा मतलब है चांद और खाक।